अलैकुम स्टूडेंट्स जो आज का टॉपिक है वो समथिंग बियॉन्ड दैट कैपलरीज एंड वेंस अच्छा तो लास्ट टाइम मैंने आपको अपने लेक्चर में काफ़ी कुछ बता दिया था एंड आई जस्ट इन्फॉर्म मेनी मेनी थिंग्स कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत 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 मुश्किल का सा एक निज़ाम चलते आ रहा है और वही निज़ाम आज कल की जिंदगी में आपको आगे आजकल की ज़िंदगी में आपको आगे सोचने पे मजबूर कर देता है कि अल्लाह ताला ने बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स कैसे बनाई अल्लाह ताला ने बॉडी को इतना ज़्यादा अच्छे से बनाया है कि इंसान सोचने पे मजबूर है कि इसका इसका अंदर से एक चीज़ फॉर एग्जाम्पल एक सेल लेते ना तो सेल के अंदर भी बहुत सारे हैं एक एक चीज का फंक्शन एक एक चीज को बहुत बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करके मतलब कि जांच पढ़क करके आगे आपके सामने लेके आया जाता है सो so क्लास आज मैं आपको सबसे पहले टिश्यू फ्लू के बारे में बताऊंगी हम लोग पिछले सारे लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कि वो चलता कैसे है वो किस चीज़ क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उस में फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पहले ही काफ़ी कुछ बता दिया था सो so, क्लास अभी आप इस टाइम रेडी हो जाए आपको मैं काफ़ी कुछ एक ही लेक्चर में बताने जा रही हूँ एक बात याद रखना अगर आप मेरे लेक्चर में बुक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बहुत ज़बरदस्त किस्म के मार्क्स भी आएंगे और बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट प्रोडक्ट भी मिलेगा तो मैंने ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड इसीलिए किए हैं ताकि आप लोगों को आगे आसानी हो इसके अलावा आपको मेरे लेक्चर में काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बुक में डिस्क्राइब नहीं हुएगी और मैं वो चीज़ें आपके लिए और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूँगी एक एक लफ्ज़ को एक एक चीज़ को मैं आगे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके जाऊँगी सो टिश्यू फ्लू सो क्लास पिछली बार हम लोगों ने uh, मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी पिछले लेक्चर में भूली तो नहीं थी uh, इस लेक्चर में भी बता सकती हूँ अगर आपको किसी चीज़ को कि, कि किसी चीज को डायग्नोस करना है तो आपको चाहिए कि आप डायग्नोस करने से पहले थोड़ा सा सोचें कि अगर मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था कि वो हम में डबल सर्किट सर्कुलेशन होती है डबल सर्किट सर्कुलेशन आपको मैंने जब बता रही थी तब आपने नोट किया मैंने बोला कि हमारे दिल पे दो दफ़ा ब्लड आता है क्लास यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट वर्क भी दिया गया है यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क आपको जब मैं प्रैक्टिकल्स करवाऊँगी तब की ही बात कर रही हूँ जब मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क कराऊँगी तो आपको एक बहुत गौर गौर से एक चीज़ पे ध्यान देना होगा कि आपका जो ब्लड है उसकी टेंडेंसी क्या है और आपके ब्लड में क्या क्या पाया जाता है इसके अलावा आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बकरा ईद के बारे में तो सुना ही होगा या अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपने कहीं किसी भी गोश्त वाली दुकान में किसी गाय को हलाल होते हुए देखा होगा आपने जब किसी गाय या बकरे को हलाल होते हुए देखा होगा तो उसके अंदर के बॉडी पार्ट्स को भी देखा होगा यानी कि आपको अगर वेंस आर्टरीज और इंसान के इंसान ने एक जानवर के अंदर का निज़ाम ग़ौर से देखना है तो आप किसी भी जानवर की किसी भी जानवर के अंदर के हिस्से को काट के आप डायग्नोज कर सकते हैं एग्जाम्पल इस बात की मैं इस तरीके से देना चाहूँगी कि आपके पास ब्लड सिस्टम को पढ़ने के लिए या सिस्टमिक सर्कुलेशन को पढ़ने के लिए आपको एक मेंढक की भी ज़रूरत हो सकती है जैसा कि इस किताब में आपको मेंढक के बारे में बताया गया है कि मेंढक का इंटरनल स्ट्रक्चर मछली का इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर किसी भी जानवर जो जो जीता जाता जानवर को को आप उसके अंदर का स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए आप आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ताकि आपको भी नालियाँ और जो रगे हैं उनके बारे में मालूम हासिल हो सके इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी टिश्यू फ्लू टिश्यू फ्लूट टिश्यू के बारे में बताऊंगी सेल्स बहुत सारे सेल्स मिल के बनाते हैं सबसे पहले सेल्स होते हैं सेल्स बहुत सारे सेल मिल के बनाते हैं बहुत सारे टिश्यू मिल के बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिल के एक जिसम बनाते हैं याद रखिए सबसे पहले इब्तदा के तौर पे आपके जिसम पे सबसे पहले सेल बना सेल आगे बढ़ते बढ़ते ग्रोथ होते होते उस वो वो टिश्यू बन गया और जब टिश्यू बन गया तो उसके बाद वो एक पूरा ऑर्गन बना एक ऑर्गन बनने के बाद वो एक पूरा इंसान बन गया ये मैं मदर वॉम की बात कर रही हूँ जब आप अपनी माँ के पेट के अंदर थे उस टाइम की बात कर रही हूँ शायद आपको ये बात क्लियर हो टिश्यू फ्लू वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कैपलरीज ईच क्लोजेस्ट टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी कैरी द ब्लड to all tissues of the body here in the tissues some fluid zones out of the capillaries and fill the intercellular spaces this colorless fluid is thus accumulated in the inner molecule in the intercellular spaces is called tissue fluid okay intercellular spaces मैंने आपको सीनेसिस ब्लड सिस्टम के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस का बताया था अगर आप लोगों को याद हो ये समझें हमारे जिसम के सेल्स हैं सेल के अंदर यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद हैं यहाँ पे आपको कैपिलरीज मिलेंगी कैपिलरीज ये बता रही हैं कि कैपिलरीज यहाँ इन इंटर सेलुलर स्पेसिस के अंदर आपको टिश्यू फ्रूट भर के दे देती हैं यानी ऐसा फ्लूट ऐसा फ्रूट जो सेल्स के दो सेल्स के दरमियान में जो स्पेस मौजूद होता है उसके अंदर मौजूद हो तो उसको इंटर सेलुलर स्पेसिस कहते हैं ऐसा फ्लूट जो इंटर सेलुलर स्पेसिस के दरमियान में मौजूद हो उसको हम टिश्यू फलूट कहते हैं फिर से मैं आपको तो समझाऊंगी कि एक सेल और दूसरे सेल ये तीसरा सेल ये चौथा ये पांचवा, ये छठा ये सातवां ये आठवां ये नौवां, ये नौ सेल मैंने बनाए हैं इनके दरमियान जो इंटर सेलुलर स्पीसी है इनको हम लोग क्या कहते हैं इनको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेसिस कहते हैं और इनके अंदर जो गदूद भरा हुआ है या लिक्विड जो भरा हुआ है उसको हम टिश्यू फ्लूड कहते हैं याद रखिए द स्केप ऑफ टिश्यू फ्रॉम द कैपिलरीज अकॉर्स थ्रो स्मॉल गैप्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। द नंबर ऑफ गैप्स इन द कैपिलरी वॉल्स वेरीज ग्रेटली इन डिफरेंट टिश्यू ऑफ द बॉडी दिज क्वाइट दीज गैप्स आर क्वाइट बिग सो द

जगह फरहम करने की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ कैपिलरीज के पास है और ये गैप्स इतना छोटे छो, इतने, इतने 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 छोटे हैं कि सिर्फ इसमें बड़े मॉलिक्यूल तो पास ही नहीं हो सकते तो याद रखिए क्लास इस प्रेज इस टॉपिक में मैं आज आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस स्पेसिस के बारे में बता रही हूँ ग़ौर से सुनिए इंटर सेलुलर स्पेसिस नौ यहाँ पर इस टाइम मैंने नौ सेल बनाए हुए हैं ये एक स्किन की बात हो रही है या किसी भी चीज़ की बात हो रही है इसके अंदर खून भरा हुआ है खून के अंदर टिश्यू फ्रूट भी पाया जाता है टिश्यू फ्रूट एक वाद ऐसा फ्लूट है जो आपको जो आपको एक बात याद रखिए जो आप आपके इंटर सेलुलर स्पेसिस के अंदर मौजूद होता है इंटर सेलुलर स्पेसिस के बारे में मैंने आपको अपने लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया दिस सूट इज द मीडियम थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स अकॉर्स बाई डिफ्यूजन इसमें ये बताया है कि इसमें एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स भी आ सकते हैं इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आप एक मटीरियल्स को इन इन मटीरियल्स को एक्सचेंज बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विल टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन डिफ्यूजन मैंने आपको पहले भी बताया है नीचे से ऊपर तक कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र हो चाहे वो खुराक हो चाहे वो आपके लिए आपकी आपका पानी हो या चाहे वो कोई न्यूट्रीन हो चाहे वो इंटर स्पेसेस स्पेसिस हो चाहे वो इंटर सेलूलर के अंदर कोई भी खुराक या अमीनो एसिड्स हो सो so क्लास मैं आपको इस टाइम इंटर सेलुलर स्पेसिस के अंदर पाए जाने वाले फ्लूट को टिश्यू फ्लूट को डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो सिर्फ ब्लड कैपिलरीज इसके आसपास से पास हो सकती हैं ये ये रास्ते टिश्यू फ्रूट जहाँ पे मौजूद हैं वो इतना तंग है कि यहाँ इससे कोई बड़ा मॉलिक्यूल पास ही नहीं हो सकता इसके दौरा दरमियान से कोई बड़ा पार्टिकल पास हो ही नहीं सकता इसीलिए इसमें ये बताया गया है, है कि ये बहुत तंग रास्ते हैं जहाँ पे टिश्यू फ्लूट की मौजूदगी ज़ाहिर हो सकती है इसके अलावा मैं अब आपको लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाना चाहूँगी सबसे पहले लिम्फ हम लोग किसको कहते हैं टिश्यू फ्लूट को की तरह ही लिम्फ भी एक तरह का पिगमेंट है लिम्फ आपके पास जेली लाइक पिगमेंट होता है एक बात याद रखिए कि लिम्फ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है लिम्फैटिक सिस्टम लिम्फ यानी ब्लड ये भी एक ब्लड को ही कहते हैं लिम्फ, ब्लड टिश्यू फ्लू ये सब हम ब्लड की ही बात कर रहे हैं तो इस बात में आपको ज़रा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है मैं एक एक बात वाजह तौर पे आपको समझा रही हूँ ये बात समझने की है कि ब्लड लिफ और एक और चीज़ ब्लड लिम्फ प्लाज्मा ये सब एक चीज़ है हम अपने जिसम में पाए जाने वाले उस गाढ़े खून की बात कर रहे हैं जो बहुत कम नज़र आता है जो उन हालात में नज़र आता है जब आपका या खुदा ना खास्ता किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ हो अक्सर ये खून गाढ़े गाढ़े तरीके से सबके सामने नुमाया तौर पे नज़र आता है एक बात याद रखिए कि आप लोग इस वक्त ब्लड के साथ डील कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम सम टिश्यू फ्लूड प्रेजेंट इन द इंटर स्पेसेस स्पेसिस एंटर द ब्लाइंड लिम्फेटिक कैपिलरीज। कैपलरीज आफ्टर द टिश्यू फ्लूड हैज एंटर द लिम्फेटिक विजल नाउ कॉल द लिम्फ इसके अंदर ये बताया है कि इंटर स्पेसेस स्पेसिस के अंदर लिम्फेटिक कैपिलरीज मौजूद होती है ये खून का वो निज़ाम है जो एक तो सर्कुलेशन हो रही ना ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड ये खुराक वाला निज़ाम आपको बता रहे लिम्फ। जब आपका जो खून है उसमें इंटर सेलुलर स्पेसिस एंटर होते हुए एक एक ब्लाइंड लिम्फेटिक कैपिलरीज यानी लैक्टिकल्स आ जाती हैं आफ्टर टिशू और फिर वो टिशू फ्लूड लिम्फेटिक विजल्स के अंदर चला जाता है इसमें कैपिलरीज का जिक्र हुआ गया है अगर ये इंटरसेलुलर स्पेसिस ये इंटरसेलुलर स्पेसिस अगर लिम्फेटिक लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फेटिक कैपिलरीज के साथ मिल जाती हैं तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फ बन जाता है वैसे जब वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर नहीं पहुंचता टिश्यू फ्लू तो वो टिश्यू फल ही कहलाता है जब वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर पहुंच जाता है तो इसको लिम्फ कहते हैं यानी गाढ़ा ब्लड इतना गाढ़ा ब्लड कि ये वो बहते हुए भी टाइम लगाएगा ब्लड का अपना एक वजन होता है एक बात याद रखिएगा द एक्सेस टिश्यू फ्लूड इज रिटर्न टू द ब्लड थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम तो इसमें ये बताया है कि लिम्फ जो है वो ब्लड के अंदर ही मौजूद होता है ब्लड और लिम्फ ये है कि ये एक गाढ़े रंग का जेली टाइप पानी होगा जब वो लिम्फेंटिक कैपिलरीज के साथ नहीं मिलेगा खून आपको जो नज़र आता है ना वो पतला खून है अब जब आप अपनी रगों से खून निकालेंगे ना तो एक बात याद रखना आप लोग के कि आपका खून जब रगों से बाहर निकलेगा तो आपका खून बहुत बहुत वज़नी और बहुत ज़्यादा भारी होगा याद रखें तो इसके अंदर ये बात बताई है कि लिम्फेटिक सिस्टम अगर टिश्यू फ्लूड आपका लिम्फेटिक लिम्फेटिक सिस्टम यानी लिम्फ कैपिलरीज़ या विजल्स में चला जाता है तो एक बात याद रखे कि आपका खून बनने के लिए आप खून लिम्फी बनने के लिए तैयार है वो लिम्फ खिलाएगा वो टिश्यू फ्लूड नहीं खिलाएगा ये बात याद रखिएगा तो अभी मैं आपको एक और बात बताने जा रही हूँ फ्राम द ब्लड वस्कुलर सिस्टम इसके अंदर ये बताया है कि ये एक बहुत लंबा और मुश्किल सा नेटवर्क है जो आपको लिम्फ कैपिलरीज से होता हुआ नजर आ रहा है लिम्फेटिक सिस्टम को लिम्फ कैपिलरीज ही चला रही हैं विज़ल्स वगैरह इसमें नहीं शामिल लेकिन लेकिन जब खून विजल्स में चला जाता है तो वो वो तो, तो वो ब्लड बन जाता और जब वो ब्लड बन जाता है तो वो तो उसकी टेंडेंसी कुछ और रहती है इस बात में आप ज़रा भी कंफ्यूज नहीं हुए इस चैप्टर में इस लिम्फेटिक इस लिम्फैटिक सिस्टम में इस चैप्टर के लिफैटिक सिस्टम में मैं आपको पढ़ाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि कैपिलरीज का भी अपना एक निज़ाम है तो मैंने आपको टिश्यू फ्रूट के बारे में भी बताया टिश्यू फ्रूट का कलर कुछ नहीं होता वो पानी के कलर का होता है ट्रांसपेरेंट इसीलिए वो लिम्फ लिम, वो लिम्फैटिक सिस्टम कहलाता है सो आगे पढ़ते हैं This system consists of an extensive network thin-walled vessels, the lymph capillaries. The lymphatic system is quite decent from the blood vascular system. इसमें ये बात बताई है कि lymphatic system जो है वो काफी ज़्यादा मिलता-जुलता है एक vascular system के। जैसे कि आपके vascular system सारी body में फैला हुआ है, इसी तरीके से lymphatic system भी सारी body में नाखूनों से लेके सर के एक एक सेल तक दिमाग तक के एक एक सेल तक एक एक चीज तक खून और अच्छे तरीके से फैला हुआ है द इन देयर वॉल्स विच अलाउ द टिश्यू फ्रूट टू एंटर द लिम्स कैपिलरीज अच्छा तो लिम्फ कैपिलरीज के पास अपनी कुछ वॉल्स होते हैं जो टिश्यू फ्रूट को अलाउ करते हैं लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जाने के यानी कि इस टिश्यू फ्लूट को भी एक परमिशन लेटर यानी एक दीवार से होके गुज़रना पड़ता है कि क्या वो काबिल है एक लिम्फ lymph, लिम्फेटिक मतलब सिस्टम के अंदर एंटर होते हुए या वो क्या वो काबिल है कि वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एंटर हो जाए द लिम्फेटिक सिस्टम सर्व्स एज एन एक्सेसरी ड्रेनेज सिस्टम फॉर ऑफ द बॉडी बाई रिमूविंग द एक्सेस फ्लू एंड डिजॉल्व सब्सटेंस दैट लीक डाउन फ्रॉम द ब्लड कैपलरीज द लार्ज लिम्फेटिक विजल ज्वाइन द सब कैलविन वेन्स एंड पोर देयर फ्लूड इन टू दैम इसके अंदर ये बात बताई है कि आपको डिज़ोल्व सब्सटेंस से होके गुज़रना पड़ता है यानी उस खून के अंदर उस फ्लूट के अंदर उस टिश्यू फ्लूट के अंदर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं ब्लड कैपिलरीज ऐसी कैपिलरीज हैं जिस जो जिसके पास टिश्यू फलूट भी होता है टिश्यू फलूट आखिर हम कहते किसको हैं टिश्यू फलूट हम लोग उस टिश्यू फ्लूट के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खुराक और बहुत कुछ मौजूद होता है पहले से ही द लिम्फेटिक सिस्टम सर्व as एन एक्सेसरी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द बॉडी by एक्स by रिमूविंग द एक्सेस fluid एंड dissolved substance that लीक द ब्लड from द capillaries. इसमें यह बात बताई है कि ये एक ड्रेनेज सिस्टम के तौर पे भी काम कर रहा है खून की सफाई साफ़ सुथरा होना ड्रेनेज सिस्टम गंदगी अलग होना और सफाई अलग होना ये गदूद सारा गंदगी को भी दूर कर रहा है और अपना और साफ भी कर रहा है तो ये एक ड्रेनेज सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम यानी ये फिल्टर रिफिल्ट्राइजेशन का काम भी कर रहा है तो तो क्लास मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझाई है कि यहाँ पे लिम्फ और क्या क्या कर रहा है द लार्जर द लिम्फेटिक विजल्स जॉइन द सब वीन्स पोर देयर फ्लूड इन टू

लिम्फेटिक सिस्टम अपना एक किरदार प्ले करता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है फैट्स यानी जो फैट्स जो होते हैं चर्बी के छोटे छोटे पार्टिकल्स फैट्स को जो कहेंगे एक इंटेस्टाइन ब्लड स्ट्रीम के जरिए ये आपको बचाता है बैक्टीरिया के अटैक से वायरस के अटैक से और फिल्टरिंग फिल्टरिंग मतलब फिल्टर करना सफ ये ये एक तरह का सफाई का निज़ाम है जो आपके लिम्फ नोड्स को बर्बाद होने से बचाता है लिम्फ नोड्स यानी यानी जब ये रगें जा रही हैं तो यहाँ पे एक जगह से नोड्स बन जाते हैं यहाँ पे भी बन सकता है यहाँ पे लिम्फ नोड्स इसलिए बनते हैं जो यहाँ पे एक इंसान बना हुआ है इस पे जो मोटे मोटे जर्रे हैं उनको लिम्फ नोड्स कहते हैं लिम्फ नोड्स बर डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं इसका डिस्ट्रॉय होने का अपना एक प्रोसेस है इसका डिस्ट्रॉय होने का अपना एक प्रोसेस है और इसके अलावा इसके अंदर ये बताया है कि लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं यानी अगर खून की रवानगी जारी है तो लिम्फ नोड्स अपना थोड़ा थोड़ा खून इन नोट से ले लेके जा रहे हैं असल में निम्फेटिक सिस्टम की रह कि मुसलसल रवानगी की वजह से आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया नहीं आता और आप अपने दूसरे जरासीम और वायरसेस से बचे रहते हैं कहते हैं ना आजकल की बीमारी जिसकी वजह से मैंने भी मास्क पहना हुआ है और जो स्टूडेंट शायद ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी मास्क शायद पहना हो ये जो कोविड की बीमारी है ये किस चीज़ से आई है सबसे पहला रीज़न ये एक वायरस था वायरस किसको कहते हैं जो उंगलियों के जरिए फैलता है अगर आप कोई चीज़ खाएं तो हो सकता है उस पर भी करू हो बात यह मैं मेरी करने की इसलिए है क्योंकि लिम्फ नोट्स में यहाँ पे इस चैप्टर में वायरस का जिक्र भी आया है वायरस का जिक्र इसलिए आया है क्योंकि लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक सिस्टम आपकी इम्यून सिस्टम से भी लिंक्ड है जितना आपका तेज़ इम्यून सिस्टम होगा उतना ही आपके पास सलाहियत होगी कि आप ज़्यादा लंबी जिंदगी जी सकें और ज़्यादा खुशी से काम कर सक, और ज़्यादा खुशी और तरक्याफ्तर एनर्जाइज काम कर सके तो आपको इसमें ये बात बताई गई है कि लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फेटिक सिस्टम आपको वायरस से बचाता है यानी कि इसके अंदर नूट्स भी मौजूद होते हैं इसके अंदर रिफेटिक सिस्टम के अंदर फैट्स की ट्रांसपोर्टेशन भी होती है फैट्स की ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होती है मैं आपको अभी इस टाइम ऐसे तरीके से बताऊंगी, क्योंकि आप जब खुराक लेते हैं तो इस टिश्यू फ्रूट के अंदर इस टाइम न्यूट्रीस मोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपको ताकत देते हैं वो इस टाइम इसमें मौजूद होंगे इसके अलावा आप आप जब ये टिश्यू फ्लूड टिश्यू फ्लूड को को जब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एंटर हो कर देंगे तो ये लिम्स कहला दें कहलाए जाएंगे और वो लिम्स जब सारी बॉडी में रिवॉल्व करेगा तो इस तो इसमें क्लॉट्स और मोटे मोटे गदूद भी पैदा होंगे क्योंकि टिश्यू फ्लूड कोई आम फ्लूड नहीं है इसके अंदर पानी खुराक और बहुत कुछ है जो हर एक एक सेल तक कैपिलरीज के ज़रिए जा रहा है एक एक कैपिलरी बहुत इम्पॉटेंट है एक एक ज़रा बराबर चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है आपको इस चैप्टर में मैं समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे निज़ाम एक ही वक्त में चाल चल रहे हैं जिसको पढ़ाने की हम टीचर्स पूरी कोशिश करते हैं इसके अलावा मैं आपको इस लिम्फेटिक सिस्टम की के बारे में बता चुकी हूँ कि ये फैट भी ट्रांसपोर्ट करते हैं फिर फैट आपके जिसम में स्टोर हो जाता है और जब आपके जिसम में स्टोर हो जाता है और जब आपको एनर्जी की जरूरत होती है तो वो पैकेट्स रिलीज होते हैं और आपको एनर्जी मिलती है इसीलिए कहा जाता है अगर आप ज़्यादा हेल्दी होंगे तो आप ज़्यादा दिन तक जी सकते हैं एग्जाम्पल फैट की इस तरीके से दी जाती है कि अगर एक इंसान को जो थोड़ा मोटा है और एक इंसान अगर वो पतला है उन दोनों को बगैर खाने के रखा जाए तो पतले इंसान की मरने के चांसेस पहले हैं और मोटे इंसान के बाद में है क्योंकि उसके जिसम में चर्बी पाई जाएगी जो पैकेट्स के सूरत में इसके जिसम में एक, एक जगह पे जमा हो चुकी होगी इसके अलावा जब वो जब वो एनर्जी इस्तेमाल करने का कर वक्त आएगा तो वो मोटा इंसान खाने और सर्वाइव करने के काबिल रहेगा मेरा आज का लेक्चर पूरा लिम्फेटिक सिस्टम और टिश्यू फ्रूट के ऊपर था मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूं। इस इस बार आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा एक बात और मैं जो करना चाहूँगी कि आप मेरी लेक्चर को एक नहीं दो बार भी सुन सकते हैं ताकि आपको समझ आने में आसानी हो शुक्रिया अल्लाह हाफिज